चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आशा है माता रानी की कृपा से सब कुशल मंगल हुए होंगे। आज हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन्हीं के बारे में कुछ बताएंगे और इनका क्या करना है वो बताएंगे। तो ये सर्दियों का मौसम है, इसमें हमें मिलती है बहुत ही सस्ती और अच्छी अदरक। तो मैं क्या करती हूँ, पूरी साल के लिए इसको कैसे स्टोर करें ये आज मैं आपको बताऊंगी। मैं इसको पूरी साल के लिए स्टोर कर लेती हूँ और चाय में इसको इंस्टेंट कैसे डाल के रोज़ कूटने का झंझट ख़त्म हो जाए ऐसा कुछ करती हूँ तो वो मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये इस टाइम सर्दियों में अदरक बहुत ही सस्ती होती है, फिर ये महंगी हो जाती है। तो इसको कैसे सुखाएंगे, पूरी साल के लिए कैसे काम आएगी वो बताएंगे। लहसुन, इस समय लहसुन भी सस्ता मिलता है और ये जितना स्वास्थ्यवर्धक है उतना ही इससे सब्जी में टेस्ट भी आता है। तो इसको भी हम कैसे सुखा के रख सकते हैं, इसका पाउडर बना के, ताकि किचन के काम हमारे फटाफट निपट जाएं, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये बीटरूट, ये सारे औषधीय ही एक तरह से आप इनको बोल सकते हैं सब्जियां हैं। तो इनको कैसे काट के सुखाएंगे, इसका पाउडर कैसे बनाएंगे जिससे हम पूरी साल तक इनका उपयोग कर सकें और हमारे किचन के काम आसानी से फटाफट हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी इनको कैसे क्या करना है। तो ये भी इस टाइम सर्दियों में सस्ते मिलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अदरक से। तो अदरक का पाउडर हम बाज़ार से लाते हैं, उसमें वो जितने अच्छी तरह से हम लोग घर में उसको साफ़ करेंगे उतना अच्छी तरह से बाज़ार का जो इंस्टेंट हम लाते हैं वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, ये जो चीज़ अदरक में ये जो होती है यहाँ से गंदगी साफ़ नहीं करते हैं। तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे पूरी अदरक को और फिर पानी में डाल के इसको बहुत अच्छे से 3 या 4 बार क्लीन कर लेंगे। अच्छा, इसको हम धूप में नहीं सुखाएंगे, अदरक को तो सुखा लेंगे, इसको नहीं सुखाएंगे। जो भी कलर वाली चीज़ होती है जिसमें हमें कलर चाहिए उसको हम कभी भी धूप में नहीं सुखाएंगे। अगर धूप में सुखाएंगे तो जो कलर हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा और इसका कलर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मोटे साइड से कसने से बिल्कुल अच्छे से लच्छे जैसे कसा गया है और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहा है, ये अपना जूस नहीं छोड़ रहा है। अगर हम मिक्सर में पीसेंगे तो ये जूस छोड़ देगा। तो इसका जूस इसके अंदर ही है। ये देखिए, इस तरह से कस के इसको हम पंखे की छाया में ही सुखाएंगे 2 से 3 दिन तक। कसा था वैसे ही हम इसको भी कस लेंगे इस तरीके से। ये अदरक से भी जल्दी कसा जाएगा क्योंकि अदरक थोड़ी सी अंदर से हार्ड होती है, इसको आप आराम से कस सकते हैं। बीटरूट के हमने देखे दोनों साइड से काट लिया है और इसको अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे, मतलब 3-4 बार धोएंगे ताकि इसकी पूरी मिट्टी निकल जाए। मैंने धो रखे हैं और आपको दिखाने के लिए मैं एक बार इसको धो के दिखा रही हूँ आपको। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको रगड़ के धो लें। ये बहुत ही पौष्टिक है, ये बच्चे अपने जो भी फास्ट फूड बनाते हैं उसमें कलर लाने के लिए मार्केट से लाने के बजाय मैं घर में ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि इनकी शुद्धता की हमें पूरी गारंटी होती है। बाकी सब्जियाँ भी कई जो मैं बनाती हूँ उनमें कलर लाने के लिए इनको काम में लेती हूँ। तो मैं पूरी साल का घर में ही सुखा के रख लेती हूँ। इनको अच्छी तरह से आप ऐसे वॉश कर लें और उसके बाद में इसका जो ऊपर का छिलका है उसको हम निकाल देंगे, ऐसे धीरे धीरे आराम से निकाल देंगे। तो ये पूरा छिलका निकाल के, ताकि और भी मिट्टी वगैरह इसमें है उसका भी डाउट ख़त्म हो जाएगा। इस पूरी तरह से अच्छी तरह से आप छीन लें एकदम से। अब हम लेंगे ये ऐसे कद्दूकस, ये वाला थोड़ा सा सेफ रहता है, इसमें जो बड़ी वाली साइज़ है वहीं से हम कट करेंगे। आप ये भी ले सकते हैं,
अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। मैं इसमें से नहीं निकालती हूँ, मुझे ये वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा तो बारीक होता है ना ही ज़्यादा मोटा। तो आप ऐसे करके इसको अदरक को कस लें। कस क्यों रहे हैं हम, डायरेक्ट क्यों नहीं पीस रहे हैं? पीसेंगे अगर मिक्सर में तो इसका जूस निकल जाएगा, तो फिर ये सूखने में बहुत प्रॉब्लम करेगी और इसका जो चीज़ इसमें रहनी चाहिए वो भी जूस के माध्यम से पूरी निकल जाएगी। इसलिए हमें इसको कसना है, मिक्सर में नहीं पीसना है। तो हम इसको कस लेंगे पूरी को इस तरह से। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट कसी जाएगी ये। अब इसको हम डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। आप चाहें तो अगर धूप नहीं है तो पंखे की हवा में भी रख दीजिए। मेरे यहाँ काफ़ी धूप आती है तो मेरे यहाँ ये एक ही दिन में सूख जाएगी, पर अभी तो जैसे शाम का समय है तो मैं पंखे के नीचे ही रख दूँगी इसको। कल सुबह इसको धूप दे दूँगी मैं और इसको सुखा लूँगी। आपके पास धूप नहीं आती है तो आप कमरे में पंखे के नीचे इसको सुखा सकते हैं और ये पंखे में 2 या 3 दिन में अच्छे से सूख जाएगी। तो हम इसको अभी फिलहाल तो पंखे के नीचे रख देते हैं, कल मैं इसको धूप में रख दूंगी। हाथ क्यों आ गया? 2 सेकंड। ये मैंने देसी लहसुन लिया है, आपको देसी लहसुन मिले तो आप देसी ही लीजिएगा। थोड़ा सा उसको छीलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर देसी मिल जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, नहीं तो आप जो बाज़ार में मिलता है वो भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और अब इसके लिए मैंने ये लिया है। एक्चुअली इसी से मैं प्याज और लहसुन या मोटा जो अदरक या हरी मिर्च काटनी होती तो मैं काटती हूँ। ये इससे बारीक चॉप हो जाता है। आपके पास ये नहीं है तो आप चाकू ले लीजिए और उससे इस तरह से बिल्कुल इसको बारीक बारीक काट लीजिए। इसको आप धूप में डायरेक्ट सुखा सकते हैं। मैं एक्चुअली इसमें काटूंगी, अगर ये आपके पास नहीं वैसे तो इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी प्लास्टिक की शॉप पे, जहाँ प्लास्टिक के बर्तन वगैरह हमें मिलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको चाकू से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। हुआ है, एक बार और कर लेंगे। इसमें ये बिल्कुल बारीक चॉप हो जाता है, ये देखिए बहुत ही जल्दी। इस तरह से हम इसको काट लेंगे और इसको भी हम धूप में ही सुखाएंगे क्योंकि इसमें हमें कलर नहीं चाहिए, इसका फ्लेवर ही चाहिए। तो हम इसको धूप में सुखा लेंगे, तेज़ धूप में ये 2 दिन के अंदर अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से सूख जाता है। इस तरीके से हम इसको बारीक चॉप करके, आप चाकू से भी काट सकते हैं। ये अगर आपके पास नहीं है तो बारीक बारीक काट लीजिए आप और इसको तेज़ धूप में, तेज़ धूप है तो 2 दिन में सूख जाएगा, अगर कम है तो 3 दिन लगेंगे। छाया में सुखाते हो तो
आप 3 से 4 दिन तक इसे सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ में, नहीं तो ये साल भर तक आप इसको नहीं रख पाएंगे। खूब अच्छे से धोएंगे, 2 या 3 बार हम इसको अच्छे से धुलेंगे। देखिए इसमें मिट्टी रह जाती है, तो घर में तो हम अपने लिए बनाएंगे तो हम बहुत अच्छे से धुलेंगे और इसमें से जो भी सड़ा गला है वो निकाल देंगे। बाज़ार में जो हमें पाउडर मिलता है वो इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं इसको 2 या 3 बार अच्छे से धोऊंगी। आप इसको ऐसे ले लेके अच्छे से धोएं ताकि इसकी पूरी मिट्टी निकल जाए और ये साफ़ हो जाए। सारी अदरक धोलेंगे हम इसको, 3 से 4 बार धोऊंगी मैं। आप भी वैसे तो उसको मैंने 2 बार धो लिया है, पर आपको दिखाने के लिए इसको 1 बार और धोऊंगी। आप अच्छे से धो लें अदरक को। अच्छा, इसको हम धूप में नहीं सुखाएंगे, अदरक को तो सुखा लेंगे, इसको नहीं सुखाएंगे। जो भी कलर वाली चीज़ होती है जिसमें हमें कलर चाहिए उसको हम कभी भी धूप में नहीं सुखाएंगे। अगर धूप में सुखाएंगे तो जो कलर हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा और इसका कलर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मोटे साइड से कसने से बिल्कुल एक एक अच्छे से लच्छे जैसे कसा गया है और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहा है, ये अपना जूस नहीं छोड़ रहा है। अगर हम मिक्सर में पीसेंगे तो ये जूस छोड़ देगा, तो इसका जूस इसके अंदर ही है। ये देखिए इस तरह से कस के इसको हम पंखे की छाया में ही सुखाएंगे 2 से 3 दिन तक। अदरक मेरी सूख कर एकदम ज़्यादा अच्छे से सूख गई है। मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको एक्चुअली सुखाया था, तो आधी मैं इसको ऐसे ही रख लूँगी, नहीं पीसूँगी, और मैं चाय पत्ती में इसको मिला दूँगी। अलग अलग पूरे महीने के हिसाब से पैकेट बना के रखूँगी मैं इनका, और चाय का मसाला बनाऊँगी तब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने ये अदरक पूरी साल के लिए कस के ऐसे मैं सुखा लेती हूँ। आधी का मैंने पाउडर बना के रख लिया है, तो इसका पाउडर बनाना बहुत ही आसान है, आराम से अभी आराम से इजीली पीस जाएगी। प्लस हमें सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ये साफ़ है और इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से इसको तैयार किया है, तो इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ऐसे ही ये देखिए बीटरूट का जो था ये भी अच्छे से सूख गया है। ये देखिए 3 दिन तक मैंने इसको मैंने छाया में ही सुखाया है, धूप में नहीं सुखाया था, पर ये सूख के तैयार है। और ये लहसुन, इसको भी मैंने ऐसे ही सुखाया है और ये भी सूख गया है, तो ये आराम से इजीली पीस जाएगा। सबसे पहले हम बीट रूट को पीस के आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इसको मिक्सर के छोटे वाले जार में, ये एक्चुअली चटनी जार है तो जल्दी पीस जाता है इसमें और बहुत आसानी से पीस जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ी देर चलाने में ये बिल्कुल वाइट पाउडर बन गया है। निकाल के दिखाती हूँ आप इसको, ये देखिए ये देखिए, इसको हम एयर टाइट डब्बे में भर के रख लेंगे और बच्चों के स्नैक्स के अलावा हम किसी भी चीज़ में जिसमें हमें फ्लेवर चाहिए खाने के में, हम इसको पूरी साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। ये पौष्टिक तो है ही, स्वादिष्ट भी है और साथ में इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। चटनी में या मैं तो कोई स्पाइसी जो सब्जी बनाती हूँ उसमें कलर के लिए भी इसका यूज करती हूँ। तो आप ऐसे इसको बना के रख सकते हैं, एकदम से सूख गया है ये देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे कि इसमें मॉइस्चर है, तो आप पीसने के बाद भी हल्का सा इसको एक दिन पंखे में अच्छे से सुखा के और एयर टाइट डब्बे में इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं आराम से। ऐसे ही हम इसको लहसुन को पीस लेंगे, ये भी देखिए सूख गया है तो आराम से पीस जाएगा। Thank you.
भी अच्छे से पिस गया है। और ऐसे ही हम इसको अदरक को यानी सॉल्ट पाउडर भी तैयार कर लेंगे। ये हम चाय में ही रख लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें थोड़े से इसके रेशे ज़्यादा हैं, तो ये नीचे वाला हिस्सा अगर हम पीसेंगे तो फटाफट बहुत अच्छे से पीस जाएगा और ये चाय की पत्तियों में डालने के लिए मेरे काम आ जाएगा। देखिए बहुत जल्दी पीस जाएगा। ये देखिए एकदम बारीक पीस गया है ये। इसको हम छान के और सॉल्ट पाउडर के रूप में किसी भी चीज में, जैसे पेट में या दवाई के रूप में या किसी भी चीज में आप जैसे सॉल्ट पाउडर डालते हो, तो ये पाउडर आप काम में लें। ये एकदम शुद्ध है, इसमें किसी चीज की कोई मिलावट वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने तैयार हुआ है। ये देखिए साल भर के लिए आप आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। छोटे छोटे टाइट डब्बे लें या फिर जो जिप वाली जो आती है प्लास्टिक, उसमें आप इसको लॉक करके रख लें भर के, कैसे भी रखें। जैसे मैं इनको एक महीने के हिसाब से इसमें चाय पाउडर तैयार करके रखूँगी, तो एक एक महीने के हिसाब से इसको रखूँगी। इनको मैं टाइट डब्बे में एक ही जगह रख दूँगी और जितना मुझे चाहिए उतना मैं काम में ले लूँगी। तो आप भी पूरी साल के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इसी तरह से ये देखिए ये लहसुन का पेस्ट है, पाउडर है सॉरी, इसको मुझे लग रहा है हल्का सा जैसे इस पर मॉइस्चर है, तो मैं इसको प्लेट में फैला के और एक दिन की धूप और लगा दूँगी। इसको भी मैं एक दिन की धूप और लगा दूँगी, छाया में लगाऊंगी सॉरी, एक दिन की छाया में सुखा दूँगी। एक बार पीसने के बाद अगर हम एक बार और इनको धूप लगा दें 2 घंटे की और थोड़ी देर छाया में रख के फिर रखें, तो हमें सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, यानी रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं रहेगा और ये इजीली पूरी साल के लिए हमारे पास तैयार हो जाते हैं। मैं इसी तरह हरी मिर्च और टमाटर का भी बना के रखती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। हरी धनिया, कसूरी मेथी, और ये जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है काम करना। ये अगर मसाले हमारे पास तैयार होते हैं तो बहुत आसानी से सारा काम किचन का फटाफट हमारे निपट जाता है। प्लस सीजन में इस टाइम लहसुन लें या बीटरूट लें या अदरक लें, सभी सस्ते मिलेंगे, उसके बाद तो बहुत महंगे हो जाते हैं, तो हमारे पास वो फ़ायदा भी होता है। तो आप लोग भी बनाएं और आपका रसोई का काम 101% बहुत कम हो जाएगा। साथ में आपको शुद्ध आपके सामने आपके हाथों से बनी हुई जो चीज़ें मिलेंगी उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग ही होता है और एक विश्वास होता है। तो आप लोग भी बनाएं और इस रेसिपी को सबके साथ शेयर कीजिए। कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।